वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में वीवो का फ़ोन। इसमें अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बताता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना जो आपकी लैंग्वेज जो अदर में हो रही है, तो यहाँ से ये सारे सेटअप करेंगे तो आप इजीली जो है आपकी ये जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिस्टेक से हो जाता है कभी कभी कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपको किसी भी चीज़ को रीड करने में, ठीक है। तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टेप से हम फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है, वहाँ जाके हम सारा सेटअप करेंगे। तो आपको स्टेप फॉलो करना है, ये सेटिंग का आइकन है, यहाँ से हम सेटिंग के अंदर एंटर कर देते हैं, फिर नीचे स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ से भी, यहाँ पर भी जो है सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी आप सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सेटिंग के अंदर एंटर कर लेंगे तो आपको नीचे जाना है, डाउन साइड पे जाएंगे, बिल्कुल सबसे नीचे आ जाएंगे लास्ट साइड पे। तो जो लास्ट ऑप्शन होगा आपको उसके ऊपर वाले ऑप्शन पे टच करना है, ठीक है। 1 और 2 सेकंड ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। जब आप सेकंड ऑप्शन पे टच कर देंगे तो ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। फिर 1 और 2 पे जो भी ऑप्शन आएगा आपको उस ऑप्शन पे टच कर देना है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है आपको फर्स्ट ऑप्शन पे टच करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 और 2 में लैंग्वेज आ रही है, जैसे कि मैं अभी बताया था, मैंने यहाँ से एक लैंग्वेज ले ली, जैसे अभी यहाँ पे लैंग्वेज ले ली, तो जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पे रहेगी वही सिलेक्ट रहती है। ये देखिए ये लैंग्वेज चेंज हो गई है, अभी मैं इसको फिर से फर्स्ट पे कर देता हूँ तो ये इंग्लिश हो जाएगा, ये अभी लैंग्वेज फिर से चेंज हो गई। 3 डॉट पे आपको टच करना है, रिमूव का ऑप्शन आएगा, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से गाइस आपके जो फ़ोन की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।